जाते हैं पार्षद के पास, एमएलए के पास, कह देते हैं कल भेजेंगे, आज भेजेंगे, अभी तो कोई सुनाई नहीं हो रही। पार्षद तो कहते हैं कि उन्होंने बहुत काम कराया है, वो आप देख रहे हो जी, आपके सामने कैसा काम है, ये काम है तो ऐसे तो और भी काम होना चाहिए। अर्जी के लड़के की शादी आने वाली है, अगले महीना इतनी परेशानी आ रही है, मेरे बच्चा 1.5 साल का वो बिगड़ जाता है, इतनी दिक्कत है, मेरे घर पर पोखरिया जी भरी पड़ी है, पूरा बुरा हाल है, और 50 बार वहाँ घूमे आए, मेरा किराया भाड़ा पूरा खर्च हो गया, पर कोई भी नहीं आता, आंटी लेने को या रोने को आ जाते हैं और अपनी ऐसी मराने आ जाते हैं, इतना बेसर बना रख लिया इन लोगों ने कि बहुत ज्यादा हो गए। आंटी लेकिन खराब कर रखा है, अगर वो ये चाहते हैं कि हंगामा करने से यहाँ काम होता है तो हम हंगामा करने के लिए तैयार है। पार्षद ने कुछ काम नहीं करवाया, वो अपने इलाके में काम करवाता है, वो बोलता है कि यहाँ पर जो है वोट नहीं मिलती है मेरे को। चोट कैसे लग गई है? गिर गए नाली में, यहीं पे वहाँ गिरे थे बगल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं हूं आपके साथ रोजी सिन्हा। इस समय मैं खड़ी हूं वार्ड 9 में, जहां के पार्षद महेंद्र सरपंच जी हैं। आप यहां के हालात देख सकते हैं कि यहां के हालात कितने खराब हैं, यहां से यहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ये पानी अभी भरा हुआ है, पूरे 12 साल इसी तरीके से पानी भरा रहता है। पार्षद से शिकायत कर लो, विधायक से शिकायत कर लो, या फिर किसी भी अधिकारी से शिकायत कर लो, यहां की जो समस्या है, यहां की जो परेशानी है, उसका समाधान नहीं हो पाता। लोगों का कहना है कि यहां पर कितनी ही शिकायतें कर ली गई है लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया। वही आपको बता दे, ये आश्रम रोड है, वार्ड नंबर 9 नगला इनके पार्ट 1 में जो है ये आश्रम रोड है, और यहाँ के हालात आप देख सकते हैं। ये पूरी सड़क जैसे मैं दिखाना चाहूंगी कि ये कंप्लीट जो सड़क है ये पूरी इसी हालात में है। लोग कहते हैं कि पार्षद कोई सुनवाई नहीं करता, पार्षद का ये कहना है कि तुमने हमें वोट नहीं दिया इसीलिए हम यहाँ का काम नहीं करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल यही कहना है पार्षद का। यहाँ के लोगों ने बताया कि लोग पार्षद का ये कहना है कि तुमने हमें वोट नहीं दिया इसीलिए हम यहाँ का काम नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, नजरअंदाज जो है इस गली को किया जा चुका है पार्षद के द्वारा। आपको बता दें यहाँ के जो पार्षद हैं वो महेंद्र सरपंच जी हैं, काफी लंबे समय से राजनीति में हैं और काफी सक्रिय पार्षद फरीदाबाद में माने जाते हैं। तो आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं उन्हें किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आंटी आपका नाम? बिमलेश। आंटी किस कब से ये दिक्कत बनी हुई है, कब से आप? ये 10-12 साल तो ऐसे ही हो रहा है, यहाँ पर कोई नहीं सुनाई कर रहा है, ऐसे जाते हैं पार्षद के पास, एमएलए के पास, कह देते हैं कल भेजेंगे, आज भेजेंगे, अभी तो कोई सुनाई नहीं हो रही। कितनी बार शिकायत हो चुकी है अभी? कम से कम 10 बार शिकायत कर रहा है, 1 महीना से तो लगातार ऐसे पानी भर रहा है। इसमें निगम में गए? निगम में, नगर निगम नहीं गए हम, पार्षद के पास, एमएलए के पास गए। कौन है आपका पार्षद? महेंद्र सरपंच। अच्छा, तो पार्षद कहाँ, यहीं पे रहते हैं, आगे रहते हैं? यहीं रहता है नगला पर। कभी निरीक्षण के लिए आए? कभी भी नहीं आता कोई देखने के लिए यहाँ पर। अच्छा अंकल, भैया आपका नाम? दीपक गर्ग। कब से ये समस्या दिक्कत बनी हुई है, कब से आप लोगों ने? ये काफी टाइम से है जी, ये दिक्कत बहुत पुरानी है, बीच में इसमें 4-5, 8-10 साल हो गए, जब तो रोड बना भी था ये, उसके बाद ये सीवर वगैरह, इनमें छोटे छोटे सीवर हैं, ब्लॉकेज हो जाते हैं, इसकी वजह से जो इसकी गंदगी वगैरह, इस ब्लॉकेज में पानी ओवरफ्लो हो जाता है, और ना यहाँ स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटी, ना किसी भी चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पार्षद तो कहते हैं कि उन्होंने बहुत काम कराया है, वो आप देख रहे हो जी, आपके सामने कैसा काम है, ये काम है तो ऐसे तो और भी काम होना चाहिए। अर्जी के बाकी इसी रोड की समस्या है, और एक हमारे आगे रोड है और एक वाला रोड है, इसकी समस्या के सिवा बाकी रोड का काम हुए होंगे जहाँ हुए हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे ही काम नहीं हुआ? यहाँ काम नहीं हुआ, आगे इस रोड पर चले जाए, यहाँ टाइलों का रोड बना हुआ है और यहाँ नहीं हो रहा। अच्छा, आंटी आपका नाम? मेरा नाम माधुरी। कब से आंटी, कब से दिक्कत बनी हो गया? पूरी 10 साल हो गई, देखते देखते यही हाल है, मेरे लड़के की शादी आने वाली है अगले महीना, इतनी परेशानी आ रही है, मेरे बच्चा 1.5 साल का वो बिगड़ जाता है, इतनी दिक्कत है, मेरे घर पर पोखरिया जी भरी पड़ी है, पूरा बुरा हाल है, और 50 बार वहाँ घूमे आए, मेरा किराया भाड़ा पूरा खर्च हो गया, पर कोई भी नहीं आता, सब न्यू कह जाते हैं अभी आ रहे हैं, पर कोई भी नहीं आता, इतना बुरा हाल कर रखा है, और वैसे मुख्यमंत्री बन के बन बैठ गए यहाँ पे, कोई कुछ सुनता नहीं है, आंटी लेने को या रोने को आ जाते हैं और अपनी ऐसे जाते हैं, इतना बेसर बना रख लिया इन लोगों ने कि बहुत ज्यादा हो गए। आंटी लेकिन खराब कर रखा है बिल्कुल। आंटी आंटी पार्षद तो कहते हैं कि उन्होंने बहुत काम करा लिया है। कुछ नहीं करा उसने, कुछ भी नहीं करा है, एक भी काम नहीं करा जब से हमारे यहाँ 10 साल हो गए यहाँ रहते रहते, यही हाल बुरा है, और अगले महीने बस हमारे बारात बच्चों की कैसे शादी होगी, कैसे क्या क्या होगा यहाँ पे,
या तो शादी करने के लिए वो ना, जैसा कि आपने सुना कि इनके जो बेटे की शादी है वो अगले महीने है। वहीं आपको बता दें हाल ही में जो 5-6 वार्ड है वहां पे भी एक लड़की की शादी होने वाली थी, उन्होंने भी सीएम को ट्वीट किया, उसके बाद वहां की समस्या का निदान जो है डीसी के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है। वहीं यहां पे भी है जो एक लड़की की शादी होने वाली है, यहां के इनके आंटी के बेटे की शादी होने वाली है, उन्होंने उनके भी यही दिक्कत है कि बारात यहां से कैसे जाएगी। कहीं ना कहीं अब फरीदाबाद की स्थिति को देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो शादी करनी पड़ेगी, ट्वीट करना पड़ेगा, तभी समस्या का समाधान हो पाएगा। यहाँ के लोगों से और बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस चीज को लेकर। आके हम गए कि हमारे रोड का कुछ करवा दीजिए, ठीक है, वो आते हैं, उनका लड़का भी आता है, जो भी आता है देखने आएंगे, आते ऐसे नहीं कहेंगे कि हम नहीं आते, आएंगे पीछे पीछे काम करा के चले जाते हैं, हमारे इस रोड पे आते ही नहीं है, चेक करने ही नहीं आते। क्यों, ऐसा क्या कारण है कि इस रोड पे नहीं आ पाते? अब जी ये तो जी उनको ही पता है, पॉलिटिशियन क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, हमें इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हम, क्योंकि अगर हम उस भी क्या आपने जो कहा कि ट्वीट करेंगे तभी समस्या पूरी होगी, कि मतलब हम ट्वीट करें, सीएम विंडो पर जाएं या अदरवाइज कोई अच्छा हंगामा करें तभी यहाँ काम होगा, तो ऐसा करने से है तो हम आज ही चल जाते हैं सारे इकट्ठे हो गए, हम तो नगर निगम पे जाके हम पत्थर फोड़ जाते अगर ऐसा चाहते हैं वो, तो हमारी ये गुहार उन तक लगा दीजिए। हाँ, अगर वो ये चाहते हैं कि हंगामा करने से यहाँ काम होता है तो हम हंगामा करने के लिए तैयार है, ऐसा कुछ नहीं है, हम सारे जने इकट्ठे हो गए हम नगर निगम में तोड़ फोड़ करके आ सकते हैं, पब्लिक अगर अपने रोष पे आ जाए तो सब कुछ कर सकती है, जब तक हम चुप बैठे हम ये सोच रहे कोई बात नहीं, ठीक है काम हो जाएगा, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, करते करते इतने महीने हमने बिता दिए। पर पार्षद तो ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत काम करा लिया, बहुत विकास करा लिया वार्ड में। जी आज आप देख लीजिए, आप वीडियो बनाइए यहाँ की बनाइए, यहाँ से लेके कोई भी एक रास्ता ऐसा साफ रास्ता दिखा दीजिए तो हम मान लेंगे कि पार्षद जी ने काम कराया, हम कुछ नहीं कहेंगे। अंकल जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम लखीराम कसन है। यहाँ पे जो दिक्कत है कब से बनी है सर? काफी टाइम से शिकायत समस्या कभी हल हुई नहीं है, 5-6 साल हो गए, काफी टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया। पार्षद जी कहते हैं कि बहुत काम करा दिया। नहीं, पार्षद ने कुछ काम नहीं करवाया, वो अपने इलाके में काम करवाता है, वो बोलता है कि यहाँ पर जो है वोट नहीं मिलती है मेरे को। अच्छा, यह सारा काम छूटा पड़ा है, कुछ नहीं है, नरक बना रखा जिंदगी को। क्यों आप लोगों ने कहा नहीं कि वोट नहीं मिले? तो काफी लोगों ने बोले वहाँ पे जाके, वो कुछ सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। सत्यम कुमार, ये चोट कैसे लग गई है? गिर गए नाली में, यहीं पे वहाँ गिरे थे बगल में, वहाँ पे सच में वहाँ गिरे थे, हम ड्यूटी से आ रहे थे शाम को 8:30 बजे। अच्छा, तो अंधेरा था क्या? बहुत अंधेरा था, लाइटी नहीं है, स्ट्रीट लाइटी नहीं रोड पे, मोबाइल जला के आ रहे थे, मोबाइल जला के कैसे पैदल आ रहे थे फिर? हाँ, पैदल ही आ रहे थे, वहाँ से सीधा आ रहे थे, तो फिर गिर गया। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के लोगों का कहना है कि पार्षद ने, यहाँ के लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया है, इसीलिए पार्षद वहाँ इस एरिया को नजरअंदाज कर रहे हैं, यहाँ पर काम नहीं करा रहे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ की स्थिति कितनी बदतर बनी हुई है, ये पूरी सड़क जो है इसी तरीके से कीचड़ से लबालब है। वहीं मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक स्कूल भी लगता है जिसमें बच्चों का आवागमन होता है, तो ऐसे में सोचना होगा कि जब यहाँ पे स्कूल लग रहा है ऐसे बच्चे यहाँ पे गिरते हैं, कहीं ना कहीं आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई घटना होती रहती है, ऐसे में सोचना होगा कि जो नगर निगम है और जो डीसी है और जो यहाँ के जो पार्षद है वो कब तक इस समस्या का समाधान करते हैं, या फिर वो भी किसी ट्वीट का इंतजार कर रहे हैं कि कोई लड़के यहाँ भी कोई शादी करने वाला इंसान ट्वीट करे, डीसी ज्ञापन ले, उसके बाद ही यहाँ पर जो है काम हो पाएगा। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे पहचान फरीदाबाद, धन्यवाद।